को चैलेंज करें बाइंग के लिए अरे तुम खरीद नहीं सकते तुम्हारी हिम्मत नहीं है अरे तुम्हारी औकात नहीं अगर हम कुछ स्टेप्स को समझ लें तो आसानी से इस कला को को सीखा भी भी सकता है और ऐसे व्यक्ति चीज बेच सकें जो खरीदने की इच्छा नहीं रख रहा है आपका भरोसा एक बार उनके मन में बन गया ना तो वो आसानी से आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाता टेक्नोलॉजी दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है डॉक्टर अमित माहेश्वरी मैं सी ई फाउंडर डायरेक्टर हूं मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी का हमारी कंपनी स्टेनलेस स्टील मॉडुलोकेशन की मैन्युफैक्चरिंग करती है एक्सपोर्ट भी करती है और आज पूरे भारतवर्ष में हमारे फ्रेंचाइजी शोरूम और डीलरशिप शोरूम है आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ ना वो हर बिजनेस ओनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप जानते हैं कि बहुत सारे लोगों के अंदर ना जन्म से ही लोगों को प्रभावित करने की कला होती है और इस कला का इस्तेमाल जब वो सेल्स में करते हैं तो उनकी बेचने की कला बहुत बेहतर हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बात को सीखा नहीं जा सकता अगर हम कुछ स्टेप्स को समझ लें तो आसानी से इस कला को सीखा भी जा सकता है आज मैं आपको बताने वाला हूं बेचने की कला किसी को कुछ भी बेचें कई बार देखा गया है कि ग्राहक किसी चीज को लेना चाहता है चाहे सेल्समैन अच्छा हो या ना हो वो प्रोडक्ट या सर्विस को खरीद लेता है लेकिन बढ़िया बात तो तब है जब वो व्यक्ति उसको खरीदने की इच्छा रखता है या सोचने का केवल मन बना रहा है और आप उस व्यक्ति को उस चीज़ को बेच देते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति को चीज़ बेच दी जाती है जो उस चीज़ को खरीदने का मन भी नहीं बना रहा है मतलब उसकी इच्छा भी नहीं है तो बात करते हैं कि किस तरह से हम बेचने की कला में निखार लाए क्योंकि बेचने की कला में अगर निखार आएगा ना तो आप किसी भी बिजनेस को किसी भी प्रोफेशन को अपार सफलता तक ले जा सकते हैं मैं आपसे पूछता हूं इंसान को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा किस चीज़ की जरूरत है आप कहेंगे ऑक्सीजन जी हाँ बिल्कुल सही जिस तरह से इंसान को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा ज़रूरत है ठीक उस तरह से किसी भी व्यापार को किसी भी बिजनेस को तेजी से डेवलप करने के लिए या जिंदा रखने के लिए मतलब बचाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सेल और अगर आपके बिज़नेस में सेल हो तो आप आसानी से बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं ये बात हर व्यक्ति जानता है पर प्रश्न ये उठता है कि ऐसा हम क्या करें कि हम सेल्स के वॉल्यूम को बढ़ा सकें और ऐसे व्यक्ति को भी चीज़ बेच सकें जो खरीदने की इच्छा नहीं रख रहा है तो इस बात को समझ लेते हैं सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ग्राहक की मानसिक ता, उसकी मेंटेलिटी है ना उसको समझो ग्राहक की मानसिकता और मनोविज्ञान को समझो मतलब साइकोलॉजिकली वो कस्टमर क्या सोचता है उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में मतलब उसकी इच्छा क्या है उसकी ज़रूरत क्या है किस बात को लेकर उसके मन में डर है उसके मन में क्या समस्याएं पैदा हो रही हैं क्या दर्द उसको है इस बात को लेकर उसकी पसंद नापसंद उसकी रुचि उसकी जिज्ञासा उसका बजट खर्च करने की इच्छा जब ये सारी बातें ना आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके बायर के मन में क्या चल रहा है उसकी इच्छा क्या है उसकी डिज़ायर क्या है वो खर्च करने के लिए तैयार है या नहीं क्या खर्च करने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं तो आप आसानी से ये समझ पाएंगे कि उस व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत है और वो व्यक्ति उस प्रोडक्ट या सर्विस को आसानी से खरीद सकता है इसीलिए कई बार कहा जाता है कि जो बेचने की कला है ना वो लोगों को समझने से पूरी होती है ना कि प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने से या उनके बारे में बताने से तो सबसे पहले लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो एक निर्जीव चीज़ है लेकिन एक व्यक्ति जो बेच रहा है और एक व्यक्ति जो खरीद रहा है दोनों सजीव हैं उनके अंदर कम्युनिकेशन ठीक होगा तभी वो प्रोडक्ट और सर्विस आसानी से बेची जा सकती है इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ग्राहक पर प्रभाव डालें अब किसी भी ग्राहक पर प्रभाव डालने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं एक ऐसी स्टोरी जो आपके ग्राहक को प्रभावित कर सके अपने संतुष्ट व खुश ग्राहकों के अनुभव को साझा करें आज बहुत सारी कंपनीज ना अगर आप ध्यान से देखें तो अपने सेटिस्फाइड कस्टमर की स्टोरी uh, उनका टेस्टिमोनियल अपने नए गाय बायर को एक्सपेक्टेड बायर को दिखाते हैं क्यों कि ये देखिए सर ये हमारे सेटिस्फाइड बायर हैं और जब आप सेटिस्फाइड बायर की स्टोरी उनको बताते हैं ना तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ठीक है मैं मेरे लिए भी ये प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ट होने वाली है अपनी कंपनी की उपलब्धियां बताएं आपकी कंपनी ने जो जो उपलब्धि हासिल की है किस किस तरह एक ग्राहकों के साथ काम किया है किस तरह के प्रोडक्ट बनाए हैं क्या आपने अवार्ड जीते हैं आपकी कंपनी किस लेवल पर पहुंची है और कंपनी का भविष्य में आगे बढ़ने की कितनी संभावनाएं हैं किस तरह से आपका कस्टमर उस कंपनी के साथ जुड़कर एक वैल्यूएबल कंपनी के साथ जुड़कर बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला है अपने प्रसिद्ध ग्राहक के बारे में ज़रूर बताएं आपने अगर बढ़िया बढ़िया सेलिब्रिटीज़ अच्छे बिजनेस ओनर नेम फेम वाले लोगों के साथ काम किया है तो उनका नाम ज़रूर बताएं उससे आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है अपनी सफलता की कहानी बताएं आपकी सफलता की कहानी ना ग्राहक को भी प्रेरित करती है कि अगर मैं इस कंपनी के साथ जुड़ता हूं इनका प्रोडक्ट या सर्विस लेता हूं तो मुझे भी मेरे जीवन में अपार सफलता हासिल होगी एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड हो जाता है इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने ग्राहक के मन में विश्वसनीयता पैदा करें अपनी विश्वसनीयता का भरोसा दिलाएं मतलब आप एक विश्वसनीय कंपनी ब्रांड या प्रोडक्ट है इसका विश्वास जरूर अपने ग्राहक को दिलाएं इसीलिए कहते हैं कि लोग ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते वो आपका विश्वास और आपका भरोसा खरीदते हैं आपसे बात करने का और उनको सेटिस्फेक्शन लगता है क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस को बाद में इस्तेमाल करेंगे लेकिन अगर आपकी विश्वसनीयता आपका भरोसा एक बार उनके मन में बन गया ना तो वो आसानी से आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि एक ही कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर से कम प्राइस पर प्रोडक्ट ना खरीद के आपसे खरीदने के लिए तैयार हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका विश्वास आपके ऊपर विश्वास होने हो गया है और आपने उनका भरोसा जीत लिया है जिसकी वजह से वो आपसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार होते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जब हम अपने प्रोडक्ट सेलिंग के बारे में बात करते हैं ना तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको चैलेंज करें बाइंग के लिए चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि अरे तुम खरीद नहीं सकते तुम्हारी हिम्मत नहीं है अरे तुम्हारी औकात नहीं है चैलेंज करने का मतलब है आस्क फॉर सेलिंग आस्क फॉर द क्लोज डील डील को क्लोज करने के लिए ज़रूर बात करें क्योंकि अगर डील को क्लोज करने के लिए बात ही नहीं की तो कई बार वो डील पूरी बात होने के बाद भी एंड टाइम पर वो छूट जाती है इसीलिए विनम्रतापूर्वक अपने ग्राहक को प्रोडक्ट या सर्विस लेने के चैलेंज करें मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट फॉर्म में करें कि भाई आप कब इसको खरीदना चाह रहे हैं सर तो डील क्लोज करते हैं तो चलिए ऑर्डर को प्लेस करते हैं चलिए बताइए कि किस नाम से फॉर्म फिल करूँ चलिए ऑर्डर किस नाम से फीड करूँ कि सर कहाँ पर किस एड्रेस पर मैं भेजूँ सर आपका नाम क्या कॉन्टैक्ट नंबर क्या है तो ये सारी बातें जब हम करते हैं तो उसको लगता है कि चलो डील अब क्लोज पर है तो क्लोजिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि सेलिंग स्किल्स जो है ना वो अपने अंदर डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी चीज़ को ना कभी भी किसी भी समय आसानी से सीखा जा सकता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी स्किल्स आपके अंदर नहीं है फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कौन सी स्किल्स को सीखने के लिए आप तैयार हैं मैंने अपने बिजनेस एक्सपीरियंस है ना आप लोगों के लिए कोर्स डेवलप किया है आर ओ पी ई रोप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर एंटरप्रेन्योर कैसे मैंने अपनी लाइफ में एक स्मॉल स्केल बिजनेस से एक लार्ज स्केल स्टेनलेस स्टील मॉडुलर किचन कंपनी बनाकर खड़ी कर दी और पूरे भारतवर्ष में सेल्स के माध्यम से एक्सपेंशन के माध्यम से फ्रेंचाइजी और डीलर का नेटवर्क बना दिया और केवल और केवल एक्सपीरियंस के आधार पर मैंने कैसे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ मेरे कोर्स में और कोर्स का नाम है रोप रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर आंतरप्रन्य इस बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अगला सेमिनार या वर्कशॉप कब कहाँ और किस राज्य में होने वाली है उसकी जानकारी के लिए बोर्ड पर दिए नंबर पर अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें क्योंकि चीज़ों को आसानी से सीखा जा सकता है इसीलिए मैं कहता हूँ कि रोप है तो होप है अगर आपके जीवन में आपको बिजनेस में आगे बढ़ने की मन में भी होप है तो रोप आपके लिए इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न हो ना तो वो प्रश्न हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास है स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं जय हिंद जय भारत